जानकारी दी। साथ ही एसपी ने सख्त लहजे में सभी पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस मामले में जबलपुर एसपी से बात की हमारे सहयोगी फतेह सिंह ने। जो लोकसभा मतदान होने वाले हैं उसको शांतिपूर्ण करवाने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और इसको लेकर जबलपुर एसपी उन्होंने यहाँ पर एक ब्रीफिंग की है। एसपी साहब सीधे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं सर ये पूरी किस तरह ब्रीफिंग की गई और मतदान का जो कार्यक्रम है वो किस तरह शांतिपूर्ण सम्पन्न करवाया जाए। देखिए आज हमारी पूरी फोर्स की ब्रीफिंग है और कल से मतदान पार्टियां रवाना होंगी, उनके साथ पुलिस पार्टी लगेगी और पूरे भ्रमण में सेक्टर मोबाइल्स लगेंगी। तो आज सभी फोर्स को आने आगामी जो चुनाव को लेकर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं, ब्रीफिंग की गई है और इंश्योर किया जाएगा कि इलेक्शंस पीसफुल और फेयर। सर जो संवेदनशील बूथ हैं, अति संवेदनशील बूथ हैं, उस पर किस प्रकार की पूरी निगरानी की? देखिए वो जो उनका एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसके हिसाब से फोर्स डिप्लॉय की गई है और इंश्योर किया जाएगा कि जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है वो पीसफुल रहे। लगभग कितनी कंपनियां इस चुनाव को संपन्न कराने हैं? अभी 11 कंपनियां हमको एक्स्ट्रा मिली हैं, उसके अलावा हमें अतिरिक्त बल भी मिला है, तो हम लोग लगातार उनको अभी ब्रीफ कर दिया है और डिप्लॉय करके अच्छे से इलेक्शन कराया जाए। बिल्कुल, ये थे जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह। और यहाँ पर आपको बता दें जो पुलिस यहाँ के कर्मी हैं वो यहाँ पर अपनी पुलिस को यहाँ पर ब्रीफिंग किया था और उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि जो भी पुलिसकर्मी शांतिपूर्ण मतदान करवाने में लापरवाही बरतेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ ही जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी। जबलपुर से आईएनएन न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। इधर बड़ी खबर मिल रही है भिंड से, देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और देवाशीष जरारिया ने थाम लिया है बीएसपी का दामन, बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने ली सदस्यता। बसपा ने भिंड